यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर संगमित्रा एक्सप्रेस, बागमती एक्सप्रेस, एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस के ठहराव में विस्तार किया गया है। 5 जुलाई से इन ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर भी रोका जाएगा। गाड़ी संख्या 122/95 SMVT बेंगलुरु दानापुर संगमित्रा एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 125/78 मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस का रामगुंडम स्टेशन पर ठहराव किया जाएगा। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 226/69 एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस का खम्भम, रामगुंडम और मर्चियाल स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी संख्या 125/22 एर्नाकुलम बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस का चिराला स्टेशन पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1 मिनट का ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 5 जुलाई से SMVT बेंगलुरु से खुलने वाली गाड़ी संख्या 122/95 SMVT बेंगलुरु दानापुर संगमित्रा एक्सप्रेस 2:09 पर रामगुंडम स्टेशन पहुंचेगी और 1 मिनट रुकते हुए 2:10 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। 7 जुलाई से मैसूर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 125/78 मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस 6:44 पर रामगुंडम स्टेशन पहुंचेगी और 6:45 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। 8 जुलाई से एर्नाकुलम से खुलने वाली गाड़ी संख्या 226/69 एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस 21:39 पर खम्भम स्टेशन पहुंचेगी और 21:40 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इसके बाद 12:29 पर रामगुंडम स्टेशन पहुंचेगी और 1 मिनट रुकते हुए 12:30 आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह यह ट्रेन 12:49 पर मर्चियाल स्टेशन पहुंचेगी और 1 मिनट रुकते हुए 12:50 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। 7 जुलाई से एर्नाकुलम से खुलने वाली गाड़ी संख्या 125/22 एर्नाकुलम बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस 3:59 पर चिराला स्टेशन पहुंचेगी और 4:00 आगे के लिए प्रस्थान करेगी। पटना से लोकल लेटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।